आइए दोस्तों जानते हैं कि वे कौन से काम हैं जो हमें पूजा करते हुए और मंदिर से वापस आते हुए नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना बिल्कुल ना भूलें। प्रसाद को रास्ते में नहीं खाना चाहिए। मंदिर से मिलने वाले प्रसाद और जो प्रसाद आप घर से भगवान जी को चढ़ाने के लिए ले जाते हैं उसे कभी भी मंदिर से वापस आते हुए रास्ते में नहीं खाना चाहिए। इससे आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि मंदिर से मिले प्रसाद को अपने घर के प्रसाद में मिलाकर पूरे परिवार को बांटकर एक साथ ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों खाली लोटा घर नहीं लाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंदिर में जाते हुए और आते हुए कभी भी खाली लोटा घर में वापस नहीं लाना चाहिए। माना जाता है कि घर में खाली लोटा लाने से व्यक्ति के जीवन में बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए भगवान को जल अर्पित करते समय कुछ जल को लोटे में ही छोड़ देना चाहिए या फिर जल ना मिल पाए तो मंदिर से मिले पूजा के फूलों को भी लोटे में रख सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि मंदिर से भरा हुआ लोटा लाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। मंदिर से घर आकर न धोएं अपने पैरों को। दोस्तों ज्योतिष के हिसाब से जो व्यक्ति मंदिर में पूजा करने के बाद जब वह घर आता है तो उसे गलती से भी पैर नहीं धोना चाहिए। इसे बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के सभी पुण्य शून्य हो जाते हैं और व्यक्ति को शुभ परिणाम की प्राप्ति भी नहीं प्राप्त होती है। इसलिए अगर आप मंदिर से घर आकर पैर धो लेते हैं तो ऐसा करने से बचें। मंदिर से घर आकर पैर धोने से मंदिर में किए गए पूजा पाठ का शुभ फल समाप्त हो जाता है और परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं। इसलिए मंदिर से आकर पैर कभी भी नहीं धोना चाहिए। दोस्तों पैर धोने से आशय देवी देवताओं के समक्ष समर्पण और श्रद्धा है। इतना ही नहीं यह पवित्रता को भी दर्शाता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले पैर धोना चाहिए। लेकिन अगर आप मंदिर में पूजा करने के बाद घर वापस जा रहे हैं तो फूल कर भी पैर नहीं धोना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा और प्रभावित हो सकती है और शुभ परिणाम भी नहीं मिलते। अगर आप मंदिर से घर आकर अपने पैर धोते हैं तो इससे सौभाग्य में भी कमी आने लग जाती है। साथ ही आर्थिक मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति परेशान हो जाता है। इसलिए मंदिर से घर आकर पैर बिल्कुल भी ना धोएं। मंदिर में पूजा करते हुए ना करें ये गलतियाँ। दोस्तों कुछ लोग मंदिर में पूजा करते हुए कई गलतियाँ करते हैं। ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। मंदिर में पूजा करते हुए हमें कभी भी जलते हुए दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। माना जाता है इससे भगवान नाराज होते हैं और पूजा का फल इंसान को नहीं मिलता। पूजा करते हुए आप जो भी पूजन सामग्री भगवान को समर्पित करते हैं उसमें भी जो सामग्री जमीन पर गिर जाती है उसे वापस से भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करना भगवान का अनादर माना जाता है। साथ ही पूजा करते हुए अपने हाथों पर लगी पूजन सामग्री को भी पूजा स्थल पर नहीं साफ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान नाराज हो जाते हैं और आपकी पूजा खंडित भी हो सकती है। मंदिर में भगवान के दर्शन करते हुए या करने के बाद परिक्रमा हमेशा बाएं हाथ से शुरू करनी चाहिए। उल्टी परिक्रमा अशुभ मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि भगवान के दर्शन करते समय ठीक उनके सामने नहीं खड़ा होना चाहिए बल्कि थोड़ा सा तिरछा खड़ा होना चाहिए। भगवान के दर्शनों के दौरान चमड़े से बनी कोई भी वस्तु जैसे बेल्ट पर्स आदि को धारण करने से बचना चाहिए और ना ही अपने पास रखना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि चमड़े को जानवरों की खाल से बनाया जाता है जिसके कारण चमड़े को अशुद्ध माना जाता है।
पूजा के स्थान या पूजा में किसी भी तरह से चमड़े की वस्तु वर्जित मानी गई है। भगवान के दर्शन करते समय या मंदिर में जब तक हैं तब तक तेज नहीं बोलना चाहिए और ना ही तेज हंसना चाहिए। इससे शांति भी भंग होती है और दूसरे लोगों को भी अशांति फैलती है। कोई भगवान के दर्शन करते हुए दंडवत प्रणाम कर रहा हो तो उसके आगे से नहीं निकलना चाहिए। किसी और के दर्शन में बाधा भी नहीं बनना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि सामने से अपने आराध्य के दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे जाकर पूजा अर्चना करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके द्वार की कई पूरी पूजा का फल निष्फल हो जाता है। आमतौर पर व्यक्ति मंदिर सुख शांति के लिए जाता है, लेकिन कई लोग की पंक्ति में आगे बढ़ने को लेकर वाद विवाद में पड़ जाते हैं। दोस्तों, ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा शांति और ध्यान के साथ दर्शन करना चाहिए। कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि क्या मंदिर से बाहर निकलते समय भी घंटी बजानी चाहिए। कई लोग एक दूसरे को देखकर और बिना कारण जाने ही मंदिर से निकलते हुए भी घंटी बजा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको मंदिर से बाहर निकलते हुए घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि इससे आप मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा को वहीं पर छोड़ देते हैं। इसलिए मंदिर से बाहर निकलते समय कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए। दूसरे के दीपक में अपना दीपक जलाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। पंचामृत अथवा चरणामृत लेते समय दाएं हाथ के नीचे एक नैपकिन रखें ताकि एक बूंद भी नीचे ना गिरे। इसके अलावा दोस्तों, पंचामृत पीकर हाथों को माथे या शिखा पर ना पोछें, बल्कि आँखों पर लगाएं। शिखा पर गायत्री का निवास होता है, उसे अपवित्र माना जाता है। मंदिर में प्रवेश के समय पहले दाहिना पैर और निकास के समय बायां पैर रखना चाहिए। मंदिर की घंटी को इतनी जोर से नहीं बजाएं जिससे किसी को डिस्टर्ब हो। अगर हो सके तो मंदिर जाने के लिए एक जोड़ी वस्त्र अलग रखें। दोस्तों, मंदिर अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो बिना जूते चप्पल के ही पैदल जाना चाहिए। मंदिर से खड़े खड़े वापस नहीं होना चाहिए। मंदिर में 2 मिनट बैठकर ही आएं, परंतु बैठें जरूर। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं।